वालेकुम दोस्तों वो पेयर जो मेरे पास तीन चार महीने से ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे उन तमाम तो पेयर को ये पांच खुराकें इस्तेमाल करवाई वो ब्रीडिंग का रिजल्ट आपके सामने है वजिस्ट लब बर्ड्स कॉकटेल सब बर्ड काफी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो पांच कौन सी खुराकें हैं जो मैंने अपने बर्ड्स को दी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो फिर शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खुराक के बारे में जो आप अपने तमाम बर्ड्स को देंगे और ब्रीडिंग का रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा तो आपने करना क्या है कि जो काला चना होता है और जो भुट्टा होता है ये मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है इससे आपके बर्ड्स को डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट और सबसे बढ़कर प्रोटीन मिलेगा। तो आपके पास जो भी अंडे देंगे, सबके सब अंडों में से बच्चे निकलेंगे वो स्पेशली बच्चे बहुत ही हेल्दी होंगे या अगर आपके पास ब्रीडिंग नहीं करते तब भी आपने इस्तेमाल करवाना है अगर अंडे आ चुके हैं या बच्चे आ चुके हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं बहुत ही कमाल की चीज़ें मैं भी अपने तमाम बर्ड्स को देता हूँ वो ब्रीडिंग ज़बरदस्त हो रही है इसे आपने 24 घंटे पानी में भिगो के रख देना है और फिर हल्का सा बॉईल करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है बड़े बर्ड्स इसको आसानी से खा लेंगे और बजिश फिंचिस जावा को आप ग्लैंड करके देंगे तो वो ईज़िली इसको खा लेंगे और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी खुराक के बारे में ये खुराक बड़े ब्रीडर भी अपने बर्ड्स को देते हैं और उनके यहाँ की ब्रीडिंग का आपको आइडिया होगा बर्ड्स की क्वालिटी का भी आइडिया होगा तो मैं बात कर रहा हूँ कद्दू के बारे में यानी कि जो बड़ा कद्दू होता है तस्वीर में आप देख सकते हैं ये अगर आपको मिलता है तो आपने अपने बर्ड्स को लाजमी देना है इसका आपने मोटा छिलका उतार लेना है और अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार देना है इससे आपके बर्ड्स को विटामिन ए विटामिन ई और विटामिन सी मिलेगा और आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे या आप उन बर्ड्स को दे सकते हैं जो ब्रीडिंग नहीं कर रहे जिनके साथ अंडे हैं या बच्चे हैं तमाम किस्म के बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी खुराक के बारे में जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है बर्ड्स को हीट पर लाने के लिए और ब्रीडिंग पर लाने के लिए तो आपने पालक मेथी और लूसन इनको बराबर क्वान्टिटी में लेकर अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार प्रोवाइड करना है तो आपके बर्ड्स में जो मेल होंगे वो हीट पर आ जाएंगे फीमेल को मेटिंग की तरफ लेकर आएंगे और फीमेल

तो मैं बात कर रहा हूँ गंदुम के बारे में और जो भी चीज़ आपने बर्ड्स को भिगो के देनी है तो इसके अंदर सेब का सिरका एक चम्मच लाजमी ऐड कर दिया करें ताकि उसके अंदर फंगस पैदा ना हो और आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो ये जो गन्दुम होती है आप बर्ड्स को भिगो के दे सकते हैं गंदुम को मुकम्मल गजा कहा जाता है और यह नरम गजा भी होती है बर्ड्स अपने बच्चों को भी आसानी से फीड करवा देते हैं गंदम से बच्चे हेल्दी होते हैं उनकी ग्रोथ जल्दी होती है और तमाम बर्ड्स ब्रीडिंग भी अच्छी करते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी और आखिर खुराक के बारे में जो कि सबसे बेस्ट है अगर अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में एक दिन देंगे तो आपके पास कंफर्म ब्रीडिंग आएगी तो मैं बात कर रहा हूं उबले हुए चावल की उबले हुए चावल के अंदर फेट की एक अच्छी मकदार पाई जाती है जो कि आपके बर्ड्स की साइजिंग के लिए भी काफी अच्छी है जिनके बर्ड्स का साइज छोटा रह जाता है वो अपने बर्ड्स को चावल हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं इससे आपके बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और जब चावल आप अपने बर्ड्स को देंगे वो अपने बच्चों को फीड करवाएंगे तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि इसके अंदर फैट भी होता है पोटाशियम मैग्नीशियम आयरन और जिंक की कुछ मकदार इसके अंदर पाई जाती है जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए अच्छी सेहत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है आपने चावल भी अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक दिन देना है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़